नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शर्मा आपके लिए आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबंधों क्षमताओं का विकास। ये आपका पहला पेपर है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी आपके राजन में दिए हुए हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस जितने भी हैं, उन सबको क्लियर कराऊंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा की इकाई क्या है? पहला क्वेश्चन भाषा की इकाई है, इसका उत्तर होगा लिपि है, व्याकरण है, ध्वनि है, समास है। आपने पढ़ा होगा कि भाषा की सबसे पहली इकाई ध्वनि होती है, तो इसका आंसर आपका ध्वनि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट है, वर्णों का निर्माण होता है, तो वर्णों का निर्माण स्वरों में और व्यंजनों में दोनों में होता है, तो इसका राइट आंसर स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? तो इसमें हिंदी वर्णमाला में आपके 5 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? तो ये होते हैं, स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में 7 होते हैं, तो राइट आंसर आपका द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं या अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा, य र ल व। आपने पढ़ा भी होगा कि य र ल व वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्वेश्चंस की ज़्यादा मात्रा होने के कारण हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ये आपका 8वां क्वेश्चन है, वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इसका बी राइट आंसर होगा, ब। वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन आपको बताए हैं मैंने पहले, स स स ष ह। इसी में अगर पूछे कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो य र ल और व, ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन में छ त्र ग्र ग्य और स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अ, छ त्र ग्र ग्य और स्र, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? ये होते हैं 2।
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं भाई? संस्कृत के अंतर्गत लिंग सी तीन होते हैं। तो संस्कृत में लिंग होते हैं तीन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्रिया के भेद हैं। 14वां क्वेश्चन है, क्रिया के भेद कितने हैं? तो क्रिया के तीन भेद होते हैं। आपका बी आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्सारित होता है उन्हें कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्सारित होता है उसे कहते हैं। तो श्वास कम मात्रा में निस्सारित अल्प प्राण व्यंजनों के उच्चारण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निस्सारित होता है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निस्सारित होता है। नेक्स्ट है, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपके ड और ढ, ड और ढ, ये होते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। नेक्स्ट है, अनुग्रह का समानार्थी क्या होता है? अनुग्रह का समानार्थी अनुकंपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना का समानार्थी शब्द कौन सा है? आलोचना का समानार्थी शब्द आपका समीक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीषी का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो मनीषी का समानार्थी शब्द आपका ज्ञानी से लिया जाता है। अतिवृष्टि का विलोम क्या है? तो अतिवृष्टि का विलोम जो है आपका अनावृष्टि होता है। अनावृष्टि यानी ज्यादा बरसात और कम बरसात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर का विलोम क्या है? तो अमर का विलोम क्या होगा? नश्वर अमर का विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ये संयुक्त वाला ना आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें हमारा संयुक्त व्यंजन होगा छ, त्र और ज्ञ, और एक और होता है स्र। ये हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 24 क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन छ बनता है तो क और स मिलकर, क प्लस श मिलकर ये हमारे छ बनाते हैं छ। तो इसमें अ आंसर आपका राइट आंसर होगा। 25 क्वेश्चन है आपका, त प्लस र के मिलने से बनता है तो ये बनता है त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा फंदा अंत में है तो ये अनुस्वार है। चंद्रमा फंदा अंत में है, अनुस्वार है, क्योंकि इसमें न का अंतिम उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, कई वाक्यों का समूह क्या कहलाता है? तो कई वाक्यों का समूह कहलाता है हमारा अनुच्छेद स। आंसर इसका राइट आंसर होगा। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? 28 में सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत मानी जाती है। निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? तुम मुझसे नाराज हो, या तुम हमसे नाराज हो, या तुम मुझ पे नाराज हो, या तुम मुझ पर नाराज हो। तो आपका इसमें द आंसर राइट आंसर होगा। देखिए इसमें जो है
आपका क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। इसमें पहला दे रखा है, तुम चलो मेरे को आता है, तो ये तो गलत है। तुम चलो मैं आता हूं, ये तुम चलो हम आते हैं, तुम चलो मैं आया रहा है। इसमें आपका ब आंसर एकदम राइट आंसर होगा। ओके, शुद्ध वाक्य का चयन करना है 31 में। राजन का आदत बड़ा खराब है, तो ये गलत है। राजन की आदत बड़ी खराब है, राजन को आदत खराब है, को आ गया, गलत है। राजन की आदत बड़ी खराब है, ये भी गलत है। बी एस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कृषि ग्रह। कृषि ग्रह पृथ्वी के पहले वर्ण में कौन सा स्वर मात्रा में लगा है? कृषि ग्रह पृथ्वी के पहले वर्ण में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा हुआ है? तो इसमें आपका रिरी जो होता है, कृषि क्र 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 में जो ये है वो रारिसी का वर्ण होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे हम। इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आत्म उत्सर्ग लगाने से बनेगा, आत्म उत्सर्ग लगाने से बनेगा। तो आत्म से तो आत्मसम्मान भी बन रहा है, आत्म साक्षात्कार भी बन रहा है, तो ये दोनों इसके राइट आंसर होंगे 33 में से। एक पूछा है, भी भी है, भी क्या है भाई? निपात है या क्रिया है या दोनों है या विशेषण है? तो भी आपका निपात शब्द होता है। विद्यालय में संधि है, विद्यालय में कौन सी संधि होती है? विद्यालय में आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। पठन किस धातु से संबंधित है? पठन जो है पठ धातु से संबंधित है। क्रिया के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है? क्रिया के आधार पर पठन जो है सस्वर पठन भी होता है और मौन पठन भी होता है, ये दोनों पठन होते हैं। राइट आंसर सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि पठन लेखन लेखक द्वारा, किसका कथन है कि पठन जो है लेखक द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है? ये किसने कहा है? ये डिसेंट ने कहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो इसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं? AEIOU, ये आपका सा आंसर राइट आंसर होगा। निम्न में से हंस पद कौन सा है? हंस पद जो है कोई वाक्य लिख रहे हैं हम और उसमें हमारा यदि छूट जाता है तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, हंस पद ये होता है हमारा। उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? उद्धरण चिन्ह आपका इस तरह से होता है, किसी के वाक्य को किसी व्यक्ति के
वाक्य को दर्शाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 46 है शक्ति भक्ति ज्ञान विज्ञान हरहर मगहर शब्द निम्न में से किसे प्रदर्शित कर रहे हैं? ये मुझे लग रहा है कि तुकांत शब्द है। इसका राइट आंसर ब होगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। नेक्स्ट देखेंगे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। 48 में स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजन होते हैं क और ख। इसका राइट आंसर होगा। 49 में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? 50 में ब छत्र स्र और एक ज्ञ भी होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है आज हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, जिससे कि अगले सेट में आपका व्यक्ति वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अगला सेट आएगा जिसमें आपके क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।